पाकिस्तान की फायरिंग में 5 जवानों की शहादत से देश में भारी गुस्सा है। पाकिस्तान की नापाक फायरिंग में जिन जवानों की जान गई उसमें पश्चिम बंगाल के रहने वाले सुबोध भी थे। सुबोध 24 साल के थे, हाल ही में पिता बने थे। अब उनके जाने के बाद परिवार का क्या होगा कोई नहीं जानता। भारतीय सेना के गनर सुबोध घोष शुक्रवार को बारामूला के उड़ी सेक्टर में पाकिस्तान की नापाक फायरिंग में शहीद हो गए थे। सुबोध सिर्फ 24 साल के थे। 2016 में सेना में भर्ती हुए थे। ट्रेनिंग के बाद इन्होंने भारी तोपों से सटीक निशाना लगाने में महारत हासिल की थी। शुक्रवार को उरी में जब पाकिस्तान ने घुसपैठ के मकसद से गोलीबारी शुरू की तो बंगाल के इस वीर सपूत ने अपने तोप से दुश्मनों के दांत खट्टे कर दिए। पाकिस्तानी बंकरों में ये धमाके उसी की गवाही हैं। इसी क्रॉस फायरिंग के दौरान सुबोध भी दुश्मन की फायरिंग की चपेट में आ गए और भारत मां की रक्षा में अपनी जान दे दी। सेना प्रमुख MM नरवणे ने भी शहीद के परिवार के प्रति संवेदना जताई है और सुबोध की शहादत को सलाम किया है।